राहुल वैद्य बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ऐसे में जैस्मिन और अली ने उनकी टांग खिंचाई की कि क्या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में विश्वास रखते हैं। इस पर क्या था राहुल वैद्य का जवाब, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। दरअसल अली और जैस्मिन जो है सुबह सुबह मस्ती कर रहे थे और अली जो है जैस्मिन को कहता है कि देखो मैं तो जो है 3 शादियां करने वाला हूँ, नहीं तो 2 करने ही वाला हूँ। जिस पर जैस्मिन कहती है कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे काट काट के तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। वहीं राहुल वैद्य भी वहीं सोफे पर बैठे थे इन दोनों के साथ। तो जैस्मिन राहुल से पूछती है कि राहुल तुम क्या सोचते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, क्या तू भी करेगा? जिस पर राहुल कहते हैं कि देखो शादी से पहले सब कुछ चलता है, शादी के बाद कुछ नहीं, और मैं फर्मली विश्वास करता हूँ शादी जैसे इंस्टीट्यूशन पे और बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है राहुल वैद्य ने कहा कि देखो शादी से पहले चीज़ें अलग होती हैं, शादी के बाद बदल जाती हैं। जाहिर सी बात है उनके कहने का ये मतलब था कि शादी के बाद अगर आप किसी को कमिटमेंट दे देते हो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। हालांकि अली जो है फिर जैस्मिन को बोलते हुए नजर आए कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, वो जैस्मिन को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब राहुल वैद्य से पूछा गया तो उन्होंने इस मजाक में भी साथ नहीं दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी को लेकर मेरी जो सोच है वो बहुत अलग है। मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आपकी पत्नी ही होती है और कोई नहीं होता। और इस तरीके से राहुल वैद्य ने अपनी बात से जैस्मिन और अली को बहुत इम्प्रेस किया और जैस्मिन ने बोला भी कि राहुल वाकई में तुम्हारी जो सोच है यू आर वेरी गुड बॉय, कि तुम्हारी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर जो है घर में अली जैस्मिन और राहुल के बीच में ये फनी कॉन्वर्सेशन हुई, जिसको लेकर अली ने मस्ती ज़रूर शुरू की लेकिन राहुल वैद्य ने क्लियर कर दिया कि उनके लिए ये एक मस्ती या मजाक का टॉपिक नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। तो एक बात तो तय है कि उन्होंने जो अली और जैस्मिन के बीच में मजाक चल रहा था उसको भी बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया।